घोषणा की थी सबका विकास सबका सबका साथ सबका विकास, ये सब झूठे वादे थे। वो कहे तो थे लेकिन उनकी बात ये साबित हुई कि सबका साथ सबका विनाश और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज वही देश की बेटियां यहाँ रोड पे आके बैठ गई हैं। क्या उनको दिखाई नहीं देता मीडिया के माध्यम से? उनको सब दिखाई देता होगा सुनाई देता होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि आप एक तरफ बेटियों को बचा रहे हैं और दूसरी तरफ बेटियों को रोड पे ला रहे हैं, और बेटियां तो रोड पे आ गई लेकिन उनकी बेटियां घर में घुट घुट के मर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आप अगर मेरी बात सुन रहे हो तो थोड़ा ख्याल करिए अपने उन झूठे वादों के लिए। हम तो सोचते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी धोखेबाज है लेकिन उन्हीं के आस्ते यहाँ आए थे प्रधानमंत्री जी के लिए कि वो गद्दार निकले धोखेबाज निकले माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आप तो कुछ सहारा देंगे। लेकिन कल से हम लोग यहाँ बैठे हैं 1.5-2 लाख की संख्या में आप देख रहे हैं और कोई हल नहीं निकल रहा। माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी किसी को यहाँ वार्तालाप के लिए नहीं भेज रहे, ना ही वहाँ से कोई वार्तालाप करने के लिए तैयार हो रहे हैं, ना ही हमारा कोई प्रस्ताव जारी हो रहा है। और हमें जो भी चाहिए वो लिखित चाहिए। जब तक नहीं कुछ होगा फाइनल हम यहीं बैठे रह जाएंगे। हम जब तक अपना हक और पद लेके नहीं जाएंगे तब तक हम धरना करेंगे। अपना जान चली जाए, अब तो हमारा सब कुछ चला गया है, सम्मान भी चला गया है, अब सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारी जान चली जाए हमें कोई वो नहीं है।